के अंदर है या होल्डर में लगा लेते हैं 360 मोड, पर पब्लिक को पता नहीं लगता कि कैमरा लगा हुआ है। लैंप स्टाइल के अंदर पुराना मॉडल और सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल। वेबल के अंदर है, नाइट विजन कलर भी होता है इसका। अंदर जाते हैं आईमो है, ये दावा कंपनी का वायरलेस सीरीज होती है CHC आउटडोर के लिए वाटरप्रूफ के अंदर। ये 4 मेगापिक्सल के अंदर है, DVR वाला सिस्टम होता है मेन। अगर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम पूरा लगाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये DVR सिस्टम होता है। इसके अंदर ये 8 चैनल का DVR है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ये 4 चैनल होते हैं। नाइट विजन कलर व्यू के अंदर आ गया है, नाइट विजन सादे के अंदर आ गया। कैमरा हमने ऑन कर दिया है। इसका हम थोड़ा सा तरीकेकार, जो आसान इजी तरीकेकार है, इसका हम तरीकेकार भी आपको वीडियो के अंदर समझा देते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कैमरा शो हो जाएगा जब ये वीडियो इंटरकॉम अक्सर असल व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग, मैं हूं जावेद सेतो और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज मैं मौजूद हूं CCTV कैमरे के शॉप पे। इनके पास काफ़ी वैरायटी है CCTV कैमरे की, क्योंकि आजकल हर घर की जरूरत बन चुके हैं CCTV कैमरे। तो आए वैरायटी देखते हैं और उसके रेडी मालूम करते हैं। असल भाई जान अपना नाम बता दीजिएगा व्यूअर्स को। नवेद मुख्तार। नवेद भाई, यहाँ का एड्रेस भी समझा दीजिएगा। ये रीगल चौक है, मेन रीगल चौक, कोऑपरेटिव के पीछे वाली गली भी कहलाती है ये। ये बहुत मशहूर है, पासपोर्ट ऑफिस हमारी गली के इस कोने के ऊपर है और ये मेन रीगल चौक के ऊपर आ जाता है। ये होटल वाली गली कहलाती है। अब CCTV कैमरों की भी एक पूरी गली बन चुकी है। ये पूरी मार्केट होलसेल मेन ये गली जो है ना CCTV कैमरों के हवाले से होलसेल मार्केट बन चुकी है। ठीक है, तो आपका शॉप का नाम और नंबर? हमारा व्यू एंड टोन के नाम से हमारी शॉप का नाम है। ये हमारी शॉप का एड्रेस वगैरह ये सब हैगा इसके अंदर। ये देखते हैं, ये एड्रेस और आपको नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आए आप दिखाएं हमें कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास, कौन कौन से कैमरे हैं, उनकी रेंज क्या है। भाई ये हमारे पास वाईफाई कैमरों के अंदर बड़ी अच्छी वाईफाई कैमरा, ठीक है। ये वाईफाई के अंदर, ये होल्डर सिस्टम के अंदर है, ये होल्डर में लगा लेते हैं। 360 रोटेट भी कर सकते हैं इसको, 360 रोटेट भी कर सकता है। नाइट विजन के अंदर भी इसका कलर भी होता है, बड़े प्यारे चीजें आ गई है। और बहुत शॉर्टकट के अंदर अगर कोई व्यूवर्स अगर आसानी से कोई एक कैमरा लगाना चाहता है तो बड़ा आसान मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये कितने तक का है, थोड़ा प्राइस बता दीजिएगा। 3500 का पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 360 व्यू के अंदर है, बल्ब की शक्ल के अंदर होल्डर वाला। ये भी मेन ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा हिडन टाइप का भी हो जाता है कि आमतौर के ऊपर पब्लिक को पता नहीं लगता है कि कैमरा लगा हुआ है। तो आप सिक्योरिटी अपनी खामोशी से, सिक्योरिटी के हिसाब से लोग समझते हैं बल्ब लगा, LED बल्ब कर सकते हैं। ठीक है, इसकी क्या प्राइस है? ये भी 3500 का। इसके अलावा ये लैंप स्टाइल के अंदर है, ठीक है। ये वाला ये लैंप स्टाइल के अंदर है, इसके अंदर नाइट विजन के V380 Pro। हाँ, V380 Pro, ठीक है। V380 Pro देख सकते हैं। ये कितने तक का है? ये भी 3500 रुपए का है। ये भी 3500 का है, देख सकते हैं। ये इनका कैमरा कौन सा वाला होता है, कितने मेगापिक्सल वाला होता है? 2 मेगापिक्सल के अंदर। ये जितनी भी वैरायटी आपको नजर आ रही है ये सब 2 मेगापिक्सल के अंदर है, ठीक है। वाईफाई थोड़े पर्पस अलग अलग है, थोड़ी सी वैरायटी के अंदर थोड़े थोड़े फंक्शन इनके अंदर फर्क होता है, बाकी तकरीबन ये जैसे ही होते हैं। V380 एक ब्रांड है उसका है। इसके अलावा बड़ी V380 399 के अंदर है, सबसे ज्यादा पुराना मॉडल और सबसे ज्यादा चलने वाला मॉडल, ठीक है। 3000 रुपए का कैमरा, कितने का? 3000 रुपए का कैमरा होता है और बहुत इजी यूज होता है। ये कनेक्ट किसके साथ, कंप्यूटर के साथ करते हैं? मोबाइल के साथ होती है, प्ले स्टोर के ऊपर। तो उसके साथ कहीं भी लगा के मोबाइल के साथ कर दे। आज आपको जैसे भाई ये भी जाऊंगा कि थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कस्टमर को, जो आपके व्यूवर्स हैं वो देखते हैं अगर वो ये कैमरा यूज कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन यूज करने का भी थोड़ा सा तरीका, ठीक है। इसके अलावा ये शेप आ जाता है, ये शेप आ जाता है, एंटीने वाला भी दिखा। इसके अलावा ये शेप भी आ जाएगा आपके पास, एक ये बड़ा प्यारा शेप बनाया हुआ इसके अंदर। प्राइजेस ये तकरीबन वही है, 3500, 3000, 4000 इसी रेंज के अंदर ही होता है। ये यूटिलिटी आउटडोर के अंदर है, मूवेबल के अंदर है, नाइट विजन कलर भी होता है इसका। ये 5000 रुपये का, 5000 का, ठीक है। और ये वाले जो बड़े, अगर हम किसी दूसरी अच्छी ब्रांड, अगर किसी बड़ी कंपनी की तरफ जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ जाते हैं, आईमो है, ये दावा कंपनी का वायरलेस सीरीज होती है ये। इसके अंदर भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इसके अंदर 7500, 8000, 10000, फिर ये आपकी रेंज के ऊपर है। इसके अंदर बहुत सारी सीरीज है ऐसी। इसके अलावा दूसरी कंपनी ये आती है ब्रांडेड के अंदर, इजली इसके नाम से। इसके अंदर आपको जैसे ये इंडोर के अंदर मिल जाएगा 6500 रुपये का, 7000, 8000, इस तरह से बहुत सारे इसके अंदर प्रोडक्ट हैं मेरे पास। ये जैसे लगा हुआ है CHC आउटडोर के लिए वाटरप्रूफ के अंदर होता है, ये वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ है। ये कितने तक का है? CHC आपको पड़ता है तकरीबन 11000 का, ठीक है। और ये वाला आपने कितने का बताया? ये भी
ये 4 मेगापिक्सल के अंदर है, ये 4 मेगापिक्सल के अंदर है, ये 14,000 रुपए का है। और इसका 2 मेगापिक्सल के अंदर भी मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल के अंदर ये 12,000 रुपए का 12,000 का है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा CCTV वीडियो कैमरा, इसको हटाओ। DVR वाला सिस्टम होता है मेन, अगर पूरा सिक्योरिटी सिस्टम पूरा लगाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर ये DVR सिस्टम होता है। इसके अंदर 4 चैनल, 8 चैनल, इस तरह से DVR के अंदर अलग अलग चैनल्स होते हैं। आप ये हाइकविजन कंपनी के अंदर होता है, दावा कंपनी के अंदर मिल जाएंगे इसके अलावा। अच्छा, थोड़ा सा जो पुरानी वीडियोज हैं उसके अंदर प्राइजेस थोड़े से कम थे, अब थोड़ा सा प्राइजेस के अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आया है, क्योंकि वो डॉलर वगैरह की वजह से ये इम्पोर्टेड आइटम है, इसके अंदर थोड़ा सा महंगा हुआ है। तो इनके कैमरे होते हैं, ये इंडोर कैमरेज होते हैं इनके, पूरा ये सिस्टम बनता है। ये देखें, ये 2 मेगापिक्सल के अंदर होते हैं, हाइकविजन के अंदर, और दावा के अंदर भी इसी तरह से 2 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल सब मिल जाएंगे। 5 मेगापिक्सल के अंदर भी कैमरा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से भी किसी में दिखा दिया किस तरह अंदर होता है, क्या क्या होता है कोई इसका भी एक चीज देख। ये DVR होता है, इसके अंदर कैमरों के कनेक्शन होते हैं, इसके अंदर ये 8 चैनल का DVR है, जैसे ये पोर्टे दी है ना, ये 8 चैनल का DVR है, 8 चैनल का है, ठीक है। इसके अंदर 8 कैमरे आप अटैच कर सकते हैं, इसके अंदर 4 चैनल वाला भी आता है इसके साथ, एडाप्टर वगैरह ये सामान इसके साथ। अच्छा, ये कितने का है? इसे ये 8 वाला तकरीबन 12,000 रुपए का पड़ता है, 12,000 का। कैमरे इसके अलग, कैमरे अलग चीज होती है ये टोटल। अगर हम 8 DVR लगा के और 8 कैमरे लगाने जाते हैं तो तकरीबन आप ऐसा समझ लो 70-75,000 रुपए में बन जाता है, मगर ये आपकी सेफ्टी बहुत ज्यादा हो जाती है ना इसके अंदर। 70-75,000 लगा के वो हम अगर एक सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हैं उसको 30,000-35,000 रुपए हम अगर मंथली पे कर रहे हैं, और ये एक साल अगर चल जाता है आपके पास, तो आपकी ये सेविंग कितनी अच्छी है। और फिर आपके पास प्रूफ भी है कि आपके पास एक मशीन, आपके पास एक रिपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये दावा कंपनी के अंदर होते हैं, इसके अंदर AI टेक्नोलॉजी इसके अंदर फ्री हो गई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर दिया इन्होंने अपने DVR को ना, दावा वालों ने। इनका DVR होता है, इनके DVR का शक्ल थोड़ी सी चेंज होती है। ये 2 बड़ी कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों का मैंने आपको ये दिखाया पाकिस्तान के अंदर। देखिए, ये 4 चैनल होते हैं, इसके अंदर 4 कैमरे आप अटैच कर सकते हैं। ये कितने तक का है? ये 4 चैनल वाला आपको पड़ जाएगा 9,800 रुपये का स्टैम। इसके अलावा इसके कैमरे मिल जाएंगे आपको दावा कंपनी के, ऑक्सीजन कंपनी की, इंडोर आउटडोर ये सब कैमरे इसी तरह से 2 मेगापिक्सल के अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, 5 मेगापिक्सल होता है, 4 मेगापिक्सल होता है, ये सब मॉडल है। इसके अंदर भी आइटम होते हैं ना, ये थोड़ा सा प्राइस इसके अंदर कम हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे अगर ये कैमरा, अगर दावा का 2 मेगापिक्सल कैमरा अगर 3,000 रुपये का पड़ रहा है, तो ये आपको 2100-2200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। और ये भी CCTV इसी के हैं? ये भी सब इसी के हैं, ये हाइकविजन का ही आइटम है, हाइकविजन की प्रोडक्ट है हाईलुक के नाम से, ठीक है। इसके अलावा फिश आई लेंस होते हैं, इसके अलावा ये फिश आई लेंस कैमरे होते हैं, ये भी बड़ी अच्छी चीज होती है। ये कोई ऐसी जगह होती है जैसे तंग जगह हो या बहुत ज्यादा खुली जगह हो, ये उन जगहों के लिए होते हैं। 360 इसके अंदर नाइट विजन कलर व्यू के अंदर भी मिल जाएंगे आपको, नाइट विजन कलर व्यू के अंदर आ गया, नाइट विजन सादे के अंदर आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर नाइट विजन सारे ही होते हैं, उसके बगैर कोई भी नहीं होता। इसके अलावा इनसे कनेक्टेड ये BNC केबल, पावर सप्लाई, एडाप्टर वगैरह ये सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और केबले वगैरह, इनके कनेक्टर वगैरह, ये सिर्फ प्रोडक्ट यानी कि CCTV से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होती है ना, ये सब हमारे पास एक्सेसरीज जो भी सारी अवेलेबल फुल एक्सेसरीज होती है, स्टॉलर्स वगैरह ये भी हमारे पास पूरे अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर आपका कोई व्यूअर ऐसा चाह रहा है कि पूरा पैकेज हमारी जगह के ऊपर आके लगा के पूरी सेटिंग करके और फिर पेमेंट हो जाए, ऐसा भी होता है हमारे पास। तो आप ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं या नहीं? ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती हमारे पास, ऑनलाइन डिलीवरी के अंदर हम लोग थोड़ा, आपने नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ही बता दिया ताकि कोई अगर आना चाहे, रब्ता करना चाहे तो आना चाहे, ये एक अलग चीज है। एक और व्हाट्सएप के ऊपर अगर हमसे पूरी कॉन्टेक्ट यानी कि आपने डिटेल मालूम करेगा, 4 कैमरों का, 6 कैमरों का, 8 कैमरों का आपने कोई पैकेज बनवाना है तो हमसे पैकेज बनवाए और ओके करें, हमारा बंदा आके इंस्टॉल करके आपको पेमेंट करे, ठीक है। उसके लिए अपना नंबर बता दीजिएगा। आपके लिए मेरा नंबर है 0346-3180-204। अच्छा जावेद भाई, ये देखिए, हमने एक V380 कैमरा दिखाया है,
ये कैमरा हमने ऑन कर दिया है। इसका हम थोड़ा सा तरीकेकार जो आसान ईजी तरीकेकार है इसका हम तरीकेकार भी आपको वीडियो के अंदर समझा देते हैं। आप सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है D380 के नाम से, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करी, कैमरा ऑन कर लिया आपने, अब अपने डेटा बंद कर देना है आपने अपने मोबाइल का और वाईफाई सेटिंग के अंदर जाना है। जब आप वाईफाई सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको कैमरे का हॉटस्पॉट नज़र आ जाता है, ये कैमरे के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ होता है। इसको हमने आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दिया, ये हमारे साथ कनेक्टिविटी बन गई है। यहाँ से वाईफाई सेटिंग में से हम बाहर आएंगे, एप्लीकेशन खोलेंगे, अच्छा कुछ थोड़ी सी सेटिंग होती है वाईफाई, या एप्लीकेशन आप ऑन करेंगे ना कुछ थोड़ी सी फर्स्ट सेटिंग है वो आप कर लीजिएगा तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। जब इस पेज के ऊपर आप आ गए तो ट्राई विदाउट एन अकाउंट एंड कंटिन्यू, ये आपके पास एप्लीकेशन ओपन हो गई है। आपने रिफ्रेश करा, कैमरा आपके पास आ गया 640। अच्छा ये हमारे पास कैमरा शो हो जाएगा, जब हमने ऐड कर लिया ना तो हमने इसको प्ले करना है कि हमसे, अच्छा नए मोबाइल के अंदर होगा तो ये ऐप को पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड आपने जो भी रखा हो या आपने दुकानदार ने जो भी रख के आपको दिया हो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, वही पासवर्ड डालना है, ये प्ले हो जाता है। यहाँ से बाहर हम वापसी बैक करेंगे थोड़ा सा, ये एप्लीकेशन के ऊपर आए, मेन्यू खोला, सेटिंग के अंदर गए, नेटवर्क सेटिंग, और ये वाईफाई स्टेशन मोड के ऊपर आ गया। वाईफाई स्टेशन मोड के बाद ये बोला प्लीज़ सेलेक्ट वाईफाई के अंदर जाएंगे, जो भी आपके वहाँ पे आपकी जगह का वाईफाई होगा उस वाईफाई को आपने सेलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड डालना है और सेव कर देना है। ये वाईफाई कनेक्टेड हो जाएगा। अच्छा यहाँ जो हमने सेटिंग में जाके करा था यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा, मैं अपने वाईफाई के ऊपर जब कनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल के ऊपर, अब मैं दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मेमोरी कार्ड लग जाता है इसके अंदर सिंपल सा, और रिकॉर्डिंग आपके पास शुरू हो सकती है, रिकॉर्डिंग भी आप पूरी दुनिया में बैठे हुए कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा भाई मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये हमारे पास अटेंडेंस मशीन के अंदर भी पूरी एक अच्छी रेंज होती है इसके अंदर, हाइक विजन के अंदर और जेड के टीको के अंदर। इसके अलावा ये हाइक विजन के अंदर मेरे पास एक और आइटम है, ये वीडियो इंटरकॉम, अक्सर लोग परेशान हो रहे हैं कि वीडियो इंटरकॉम अच्छी किसी कंपनी का नहीं मिल रहा है, तो ये हाइक विजन के अंदर है मेरे पास वीडियो इंटरकॉम। पिक्चर क्वालिटी इसकी बड़ी खूबसूरत होती है, ये सारे स्पेक वगैरह इसके लिखे हुए हैं, 7 इंच की LCD है वीडियो इंटरकॉम होता है, ठीक है। ये कितने का है? ये आपको पड़ता है 14,000 रुपये का। और ये वाला, ये अटेंडेंस मशीन है विद एक्सिस, ये पड़ती है 22,000 रुपये की, 22,000 रुपये, ठीक है।